Light work with the bass on the track. On my face with the pack like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. And I'm hating the slack. Couple miles further around with the hate in the cap. क्या आप लोग भी अपना बेस जल्दी से जल्दी मैक्स करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं यहाँ पे कुछ सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि है तो काफी कॉमन लेकिन आपके बेस में काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस ला सकती हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। वैसे तो भाई यहाँ पे मैं खुद के बेस में भी काफी प्रोग्रेस करने वाला हूँ, हैमर बुक वगैरह यूज करने वाला हूँ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लैन गेम के रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते हुए। एक सेकंड मुझे आपको थोड़ा प्रोग्रेस बतानी है भाई। यहाँ पे मैंने लास्ट एपिसोड जो बनाया था ना उसमें यहाँ पे मैंने जो प्रोग्रेस की थी उसके बाद ऑफलाइन में हमने क्या क्या किया। मैंने लाइव स्ट्रीम के ऊपर यहाँ पे एक हैमर यूज कर लिया इन्फर्नो टावर पर एंड हमारे दो यहाँ पे इन्फर्नो मैंने उस टाइम पर अपग्रेड पर लगा दिए थे, मतलब आगे पीछे। ठीक है अब यहाँ पे देखो अपना मोनोलिथ हो चुका है लेवल 1 का, इसको आज लेवल 2 भी करेंगे अपन, मतलब देखते हैं अगर हो पाएगा। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा यहाँ भाई स्पेल टावर जिसको अभी मतलब 2 दिन लगेगा अपग्रेड होने में, मतलब बिल्ड होने में, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब यहाँ पे 11 डेज के लिए मेरा यहाँ पे आर्मी कैंप भी चला गया था जब मैं ऑफलाइन था। तो ये कुछ यहाँ पे भाई ऑफलाइन के यहाँ पे प्रोग्रेस के आपको मैंने स्टैट्स बता दिए जो भी चल रहा है। अब वेल बात करते हैं, क्लैन गेम भी एंड हो चुका है लेकिन गाइस मैं क्लैन गेम में 4000 पॉइंट्स नहीं किया तो समझ सकते हो आपको पता ही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मुझे यहाँ पे ये बुक रून चाहिए था बट अब नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं क्लेम करता हूँ जितना पॉसिबल है, यहाँ से मैं 20 जेम्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मुझे 1.8 मिलियन गोल्ड चाहिए, वो क्यों चाहिए आपको बता दूंगा, ठीक है अभी देखना आप लोग। अब यहाँ 40 जेम्स क्लेम कर लेते हैं, मुझे वॉल रिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे एक वॉल भी अपग्रेड नहीं होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमें करना है भाई शावल ऑब्स्टिकल क्लेम, इसके बाद यहाँ पे दो अपने बिल्डर पोशन ले लेते हैं भाई बिकॉज काफी यूज में आएंगे ये। अब नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पर बुक लूँ या फिर रियून लूँ, वैसे मैं यहाँ पे बुक लेने वाला हूँ, पहले से मुझे पता था, यहाँ पे बकवास नहीं करते, सीधा लेते हैं एंड क्लेम करते हैं सारे रिवॉर्ड्स। तो भाई हमारे क्लैन गेम के रिवॉर्ड्स हमें मिल चुके हैं, अब यहाँ पे चलते हैं भाई हमारे प्रोग्रेस के ऊपर। तो भाई मेरे पास यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत लूट जो आई इसको क्लेम करते हैं पहले। तो लेट्स से हमारे पास अभी 20 मिलियन गोल्ड हो चुका है, दैट इज इनफ। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, जैसे मेरा बेस देख रहे हो ये सब जितने यहाँ पे इस साइड चीज़ें लेफ्ट साइड उतनी उसको प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पे हमारा जो इन्फर्नो जैसे मैंने मैक्स कर दिया ऑलमोस्ट हो जाएंगे थोड़े दिनों में मैक्स, तो उसके बाद जो हमारी प्रायोरिटी जाएगी वो यहाँ पर जाएगी अपने एयर डिफेंसेस पे। अब मैंने बोला था मोनोलिथ मैक्स करना बट मोनोलिथ के लिए हमें चाहिए डार्क लेजर, तो इसको तो ऐसे मैक्स किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे इसलिए मैं एयर डिफेंस को मैक्स करने वाला हूँ, इसको अपग्रेड करने में लगेंगे 18 डेज। चलो भाई वैसे इसको 19 डेज लगने वाले हैं बट यार देखो मेरे हिसाब से एयर डिफेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखो इसका एयर अटैक में ना बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है, सारे एयर अटैक में ना मोस्टली इसका ही काम आता है, इसलिए हम इनको पहले मैक्स करते हैं। और मोनोलिथ ऑफ कोर्स यार बहुत ही ओवर पावर डिफेंस है तो उसको भी मैक्स करना है पहले। तो यहाँ पे जाते हैं भाई अपने एयर डिफेंस को मैक्स करने के लिए। चलिए तो यहाँ पे हमारा एयर डिफेंस जा चुका है अपग्रेड पर। अब देखो यहाँ पे बुक अपने पास पड़ी है, फालतू में पड़ी रहेगी इसलिए यूज कर लेते हैं। वैसे रीजन ये है भाई मेरे पास यहाँ पे हमेशा एक बिल्डर फ्री होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे कभी भी अपने सारे बिल्डर्स को बिजी रखता नहीं हूँ, तो एक बिल्डर मैं फ्री हमेशा रखता हूँ ताकि कोई इमरजेंसी वगैरह आ जाए, इसलिए आपको भी यही करना है ठीक है। और हाँ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, थोड़ा रुको जरा सबर करो। अब देखो मेरे यहाँ पे शॉप में अगर आप देखोगे यहाँ पे हैमर ऑफ बिल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे अब आपको एक टिप देने वाला हूँ मोनोलिथ को मैक्स करने के बाद, बिकॉज मोनोलिथ को मैक्स करने में 19 डेज लग रहे हैं तो उसको कर लेते हैं भाई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस है भाई ये। चलो स्टार्ट करते हैं एंड हियर वी गो। ये अपना मोनोलिथ हो चुका है लेवल 2 का गाइज एंड अब थोड़ा सुकून मिला भाई। सी डब्ल्यू से पहले हमारी जो है प्रिपरेशन हो चुकी है, डिफेंस वगैरह मैक्स करने पे हम लोग काम कर चुके हैं। अब देखो भाई हमारा जो है अभी सी डब्ल्यू आ रहा है, अगर आप लोग क्लाइंट्स ज्वाइन करना चाहते हो हमारी दोनों क्लाइंट्स के टैग डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। अब गाइज बात करते हैं टिप्स के बारे में। तो गाइज देखो यहाँ पे ऑफलाइन में जो मैंने प्रोग्रेस किया ना ये इसके पीछे का सीक्रेट क्या है, मतलब सीक्रेट बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे कुछ कॉमन चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आप शायद कभी मतलब यहाँ पे इग्नोर कर देते होगे बहुत छोटी मोटी चीज़ों को सोच के, एंड इससे आपके बेस की प्रोग्रेस में काफी इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला यहां पर जो आपके लिए टिप ये है कि आपको भाई हर 7 दिन में ना एक बुक बाय करते रहना है। जैसे यहां पर मैं अभी हैमर ऑफ फाइटिंग यूज करने भी नहीं वाला हूं फिर भी मैंने इसे बाय कर लिया, ठीक है। हैमर ऑफ हीरोज में यूज नहीं करने वाला हूं फिर भी मैंने इसे बाय कर लिया, इसके पीछे का रीजन क्या है चलिए बात करते हैं। तो भाई इससे क्या होता है ना, यहाँ पर आप देख लो 6 दिन का यहाँ पर अभी कूल डाउन लग चुका है, मैं 6 दिन तक इसे बाय नहीं कर सकता जबकि मेरे पास यहाँ पे इनफ मेडल्स हैं बट भी बाय नहीं कर सकता। तो आपको हमेशा जो आपको लगता है फ्यूचर मुझे हैमर वगैरह यूज करने की जरूरत पड़ सकती है उसको हमेशा बाय करके रखिए भाई, ताकि आपको ना यहाँ पे मैंने अभी जानबूझ के बाय नहीं किए थे आपको दिखाने के लिए चीज को, ताकि लाइव एकदम प्रैक्टिकल चीजें दिखा सकूं। तो ऐसे बाय करके आपको रखने आपको अपना जो मैजिक आइटम में जो आप हैमर यूज करते हो फ्रीक्वेंटली उसका स्टोरेज हमेशा फुल रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है भाई। इससे आपके एक साथ एक लेवल की जगह 2 लेवल अपग्रेड हो जाएंगे, 7 दिन का डिफरेंस आपका बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज गाइस बात करते हैं, इसके अलावा आपको भाई मतलब साइड क्वेस्ट वगैरह से भी काफी सारे यहाँ पे गोल्ड वगैरह सब मिल जाता है।
तो भाई आप लोग लेजेंड लीग में अगर स्टे करते हो तो आपको लूट का तो कोई टेंशन होगा नहीं। बाकी और भी टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहां पे मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो बनाई है, हाउ टू बेस योर मैक्स, हाउ टू मैक्स योर हीरोज फास्टर वगैरह वगैरह। तो फिलहाल अभी यहां पे मैं इतनी टिप्स दे रहा हूं बिकॉज ये वीडियो जो एक्चुअली हमारी टाउन हॉल 15 रोड टू मैक्स का एक एपिसोड है, यहां पे कुछ मैंने टिप्स वगैरह इंक्लूड कर दी। ठीक है, अब बात करते हैं और हमारा जो 21 मिलियन एलिक्सर है ये कहां जाएगा, बिकॉज मैं अटैक करने जा रहा हूं तो मैं अपने एलिक्सर तो वेस्ट करूंगा नहीं भाई, मतलब जो मिलेगा वो मुझे स्टोरेज में ऐड होगा ही नहीं, इसलिए इसको यूज करना पड़ेगा। तो इसको कैसे हम लोग यूज करने वाले हैं, हमारे आर्मी कैंप के ऊपर, बिकॉज आर्मी कैंप यहां पे हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने देखो यहां पे लेफ्ट साइड जितना क्लोज है उतना इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये पता है मेरे को इन्फर्नो वगैरह टावर से पहले इसको मैक्स करना था, बट मतलब इस पर थोड़ा फोकस कम किया हमने, लेकिन आज इसको यहां पे अपग्रेड पे लगा देते हैं। एक और हमारा आर्मी कैंप का लेवल अपग्रेड पे जा चुका है, तो फाइनली भाई यहां पर हमारे दो बस बच्चे हैं अपने आर्मी कैंप, तो इनको भी कर ही देंगे भाई मैक्स। अब वेल अभी यहां पर हम लोग अटैक पे चलने वाले गाइस, चलिए चलते हैं अटैक पर। ये जो आर्मी है भाई ये अपना है इलेक्ट्रो टाइटन स्पैम, चलिए देखते हैं कैसे भाई ये वर्क करती है। तो गाइस यहां पे रिकॉर्डिंग में खत्म करके यहां पे ऐसे लेजेंड लीग अटैक्स कर रहा था, अभी देखो क्या हुआ मेरे साथ, देखो इंटरेस्टिंग चीज हुई है। 99% माई कम ऑन यार, 99% यार। ओके तो भाई क्या हुआ ना पता है, मैंने लास्ट में सब उल्टा पुल्टा यूज कर दिया, पर भाई ये इलेक्ट्रो टाइटन स्पैम इतना ओवर पावर्ड है कि मेरी पूरी गलतियों के बाद भी इसने ना लास्ट तक अटैक को खींचा एंड मैंने टाउन हॉल को भी डाउन नहीं कर पाया, तो तब भी भाई लास्ट में ना पता नहीं हमारे कैसे भाई यहाँ पे 99% तक अटैक चला गया। तो भाई इलेक्ट्रो टाइटन स्पैम इज ओवर पावर्ड, कुछ नहीं करना आपको, स्पैम कर देना है और अपनी वार्डन की एबिलिटी परफेक्ट देनी है, मैंने गलत दी ठीक है, और आपको यहाँ पे रे स्पेल भी अच्छे से यूज करना है, मैंने पूरा गलत यूज किया, सब कुछ गलत किया मैंने, आई गेस मैंने इस अटैक में कुछ भी सही किया ही नहीं ठीक है। तब भी भाई देख लो मेरा यहाँ पर जो अटैक है ना वो 99% तक चला गया। तो ये भाई इलेक्ट्रो टाइटन स्पैम का यहाँ पर भाई मतलब ओवर पावर्ड आर्मी, और इसे आप यूज कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा मेरे से अटैक्स करते हो, मैं तो बहुत नूब हूँ, मैं यहाँ पर देखो गलत अटैक्स करता हूँ, बट आप लोग अगर यहाँ पे ढंग से करोगे तो आपके लिए इजी 3-स्टार अटैक्स निकलेंगे सारे। तो वॉर में तो मैं ये यूज करने वाला हूँ, CW की मेरी आर्मी हो चुकी है फिक्स, इस आर्मी के अलावा मैं कुछ यूज नहीं करूंगा। सारे क्लाइंटमेट्स जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं भाई इस आर्मी को ट्राई करो भाई, गजब आर्मी है ठीक है, अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना गजब आर्मी है। तो वेल गाइस अपनी जो इलेक्ट्रो टाइटन की स्पैम आर्मी है मैंने सर मूस गेमिंग के यूट्यूब चैनल पर देखी थी, तो वेल उन्होंने इंग्लिश में बनाई, अगर आप चाहते हो इसका हिंदी वर्जन भी है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो मैं इसकी वीडियो ला सकता हूं भाई उसके लिए, लेकिन मेरे को पहले कम से कम 3-4 3-स्टार अटैक्स करने पड़ेंगे इस आर्मी के साथ। तो मैं ट्राई करता हूं, मेरे अभी लेजेंड लीग में 4 अटैक बचे, हम करते हैं चारों के चारों अटैक। तब तक लिए भाई आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम इलेक्ट्रो टाइटन की आर्मी डिस्कस करेंगे। अंटिल देन कीप क्लैशिंग, पीस आउट। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है, दबा दिया, आगे बोलो। मजा आया।